दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज आप लोगों के लिए फ्लैट लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ही अमेजिंग 2 BHK फ्लैट होने वाला है जो कि किराए के लिए अवेलेबल है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 800 मीटर की दूरी पे। इतना नजदीक होने वाला है ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से। ये जो फ्लैट होने वाला है, ये होने वाला है टॉप फ्लोर पे, रूफ एक्सेसिबल है इसके अंदर और बहुत ही अच्छे साइज के अंदर 65 गज के अंदर 2 BHK बना हुआ है। एक वॉशरूम है, 2 बेडरूम है बड़े बड़े, एक हॉल है और एक मॉड्यूलर किचन के साथ हमारा ये फ्लैट है। फ्रंट फेसिंग फ्लैट रहेगा तो आपको बहुत अच्छा बालकनी का व्यू आएगा। जब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाऊंगा तो आपको उसके अंदर पता लग जाएगा क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, जब तक मैं आपको फ्लैट दिखाता हूं, उससे पहले आप एक बार सिनेमैटिक्स देख लीजिए। जब आप पार्किंग से ऊपर आते हैं, पार्किंग से ऊपर आने के लिए हमारे पास 3.5 फुट चौड़ा ये जीना है। लिफ्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नहीं मिलने वाली है। इस जीने को यूज करके आप ऊपर आएंगे। जैसे हम एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री हो जाएगी हमारे फ्लैट के हॉल के अंदर। सो दोस्तों, ये होने वाला हमारा फ्लैट का हॉल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस फ्लैट के अंदर किस तरीके से हमारे पास फ्लैट का प्लान है। एक हॉल मिलेगा आपको, हॉल के एडजेसेंट आपको किचन मिलेगा, किचन के एडजेसेंट आपको एक रूम मिलेगा, फिर उसके एडजेसेंट एक और रूम मिलेगा और इस लॉबी के एंड में आपको वॉशरूम मिलेगा। सो इस तरीके से हमारा पूरा फ्लोर डिवाइड कर रखा है चारों पार्ट्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया। इस पूरे फ्लोर के अंदर आपको 2 रूम्स मिलेंगे, एक हॉल मिलेगा, एक मॉड्यूलर किचन और एक वॉशरूम। 2 वॉशरूम नहीं है इसके अंदर, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फ्लोर प्लान के बारे में, फ्लोर प्लान के बाद मैं आपको बता देता हूँ कितना अच्छे से फ्लैट बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी बढ़िया रहने वाली है। डोर देख रहे हैं आप, लकड़ का डोर है, लेमिनेटेड डोर मिलेगा आपको फ्रंट से, बहुत अच्छा सा मोर्टाइज लॉक के साथ। उसी के साथ आपको इंटरकॉम मिलने वाला है। इंटरकॉम के बाद, जैसे हमारे हॉल के बारे में मैंने आपको बताया, 14x9 का हॉल साइज है, 14x9 जो कि बहुत अमेजिंग साइज है किसी भी हॉल के लिए। 2 BHK हॉल के अंदर बहुत अच्छा साइज मिलने वाला है आपको। पर्पल कलर से पेंटेड वॉल्स है हमारी, ग्रीन कलर का एक्सेंट वॉल मिलने वाला है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं, आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको मिलने वाला है, वो इस हॉल के अंदर आपको मिलेगा एक रूफ। रूफ के अंदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हो रखा है, फैन प्री इंस्टॉल्ड है। लाइटिंग के लिए हमारे पास ट्यूब लाइट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। कंसील लाइट नहीं है इसके अंदर, ना ही कोव लाइट है। और ये दोस्तों होने वाला है हमारा शाफ्ट, आप देख सकते हैं इसको एयर फ्लो के लिए और सर्कुलेशन के, अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलेशन बहुत अच्छा बनाया रखता है ये। और फ्लैट एक साइड से प्रॉपर खुला हुआ है, काफ़ी अच्छी हाइट पर बना हुआ है, तो आप ये भी देखेंगे कि आपको इसके अंदर सर्कुलेशन का, एयर फ्लो का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे ही हम हॉल से आगे आएंगे, ये आपको लॉबी मिलने वाली है। इस लॉबी से आप 3 चीज़ एक्सेस कर सकते हैं और इनफैक्ट पूरा फ्लैट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा किचन रहने वाला है, स्टोरेज आप ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा स्टोरेज मिला हुआ हमारे को ऊपर, और नीचे भी हमारे को ब्राउन कलर के अंदर स्टोरेज मिला हुआ है। मॉड्यूलर किचन रहेगा पूरा का पूरा। सबसे पहले किचन टॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो देख सकते हैं ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ है। गंदगी यहाँ पे आपको किसी तरीके की नहीं मिलने वाली है। वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं जो प्रोबेबल हाइट तक मस्त होती हैं, वो सारी के सारे आप देख सकते हैं। उसी के बाद स्पेस बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा सा सामान है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। 5 फुट चौड़ा हमारा किचन होने वाला है, 6 फुट लंबा, 5x6 का किचन साइज मिलेगा जो कि बहुत एम्पल, बहुत ही अच्छा साइज होता है। किचन के अंदर साइज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लीनलीनेस के बारे में बता चुका हूँ कितना क्लीन रहने वाला है, क्योंकि पत्थर और टाइल्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। और उसी के बाद जो लास्ट पार्ट रहता है वो रहता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं चिमनी प्री इंस्टॉल्ड है जो कि वर्किंग कंडीशन के अंदर है, आप आएंगे तो आप खुद ही उसको यूज करके देख सकते हैं इस वाले किचन के अंदर। उसी के साथ हम आगे आएंगे तो ये होने वाला हमारा बेडरूम नंबर 1। अच्छे तरीके से डिजाइन निकाला हुआ है, काफी नए तरीके का डिजाइन है। यूजुअली मैंने ये वाला डिजाइन नहीं देखा है, काफी दिन बाद देखा है अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम हॉल के अंदर आएंगे, सबसे पहले हमारी एक्सेंट वॉल है, ब्लू कलर से पेंटेड है, उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ वॉलेट कलर से पेंटेड हमारी बाकी बची हुई 3 वॉल्स है। हल्का सा नीचे जाएंगे, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स आपको फ्लोर पर मिलने वाली है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छा सा डिजाइन है,
जो हमारे को फॉल सीलिंग पे मिल रहा है रूफ के ऊपर। बहुत अच्छे से कलर भी बहुत अच्छा है, व्हाइट और पिंक कलर को कंबाइन करके बना रखा है, जो कि एकदम वॉलेट कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक और शाफ्ट यहाँ से भी लिंक रहने वाली है। और दोस्तों जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते के बाद ही मैं आपको बता देता हूँ, ये होने वाला है हमारा सेकेंड बेडरूम। सो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट बना रखा है, प्राइवेसी का ध्यान रख रखा है, दोनों गेट कितने अच्छे अच्छे डिस्टेंस के ऊपर है, तो आपके कोई दिक्कत ना आए आपको। इसके अंदर भी सबसे पहले फ्लोरिंग बता देता हूँ, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, जो कि हमारे पूरे फ्लोर के अंदर किचन बेडरूम हॉल सबके अंदर टाइल्स लगी हुई है, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स रहने वाली है। एक्सेंट वॉल ब्लू कलर पर्पल कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स, और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, पिंक और व्हाइट कलर से पेंटेड हमारी फॉल सीलिंग मिलने वाली है आपको। बहुत अच्छे से बहुत साफ सुथरा एकदम न्यूली रेनोवेटेड फ्लैट है, आपको बहुत साफ सुथरा फ्लैट मिलने वाला है, देख के आपको बहुत मजा आएगा। सो दोस्तों 10x9 का साइज है, जो कि बहुत अच्छा साइज है एक बेडरूम के लिए, दोनों बेडरूम का साइज आपको 10x9 का मिलने वाला है, तो साइज में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप यहाँ से आगे आएंगे आपको एक इतना अच्छा व्यू मिलेगा हमारी बालकनी के ऊपर, जो बेस्ट पार्ट है इस फ्लैट का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैट मिलने वाला है, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। जैसे आप बाहर आएंगे छज्जे पे आते हैं अपने मतलब बालकनी के अंदर आके देखेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि सामने दूसरा कोई घर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे डिस्टेंस के बाद आपको कोई दूसरा घर देखने को मिलेगा। व्यू बहुत अच्छा और प्यारा सा रहता है, खुला खुला है, बहुत हवा है, पानी है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा बालकनी स्पेस है, आप देख सकते हैं लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 फीट लंबा आपको बालकनी स्पेस मिल रहा है, 10 फीट बाय 2.5 फीट का बालकनी स्पेस, जो कि बहुत अमेजिंग है। वेंटिलेशन के रूम के अंदर कूलर लगाना है तो कूलर लगा सकते हो आप, इधर एसी लगाना है तो ऊपर आप एसी लगा सकते हो। सो एक तरीके से जो बेसिक चीजें हैं सारी फ्लैट के अंदर आपने देखा अभी तक कवर हो रही है, बालकनी अच्छी है, रूम साइज अच्छे हैं, हॉल अच्छा है, किचन मॉड्यूलर है। लास्ट पार्ट इज वॉशरूम, वॉशरूम भी आप देखेंगे कि देखिए जैसे आप निकलेंगे तीनों रूम्स तीनों तरीके से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट रूम सेकंड रूम और हॉल, तीनों अगर बंदे यहां पर आए तो आप इजीली एकदम सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं इस वॉशरूम को। साइज देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे अमेजिंग पार्ट इज साइज, 5 फीट चौड़ा वॉशरूम है हमारा, और लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो 8 फीट 8x5 40 स्क्वायर फीट का वॉशरूम सिर्फ 2 BHK फ्लैट के अंदर मिल रहा है आपको। फ्लोर पे यहाँ पे आपको मार्बल मिलने वाला है और वॉल टू वॉल टाइल्स मिल रही है आपको चारों वॉल्स के ऊपर, सो गंदगी का कोई चांस नहीं है। उसी के बाद हैंड वॉश एरिया डेडिकेटेड हमारा इधर होने वाला है, हैंड वॉश एरिया की एकदम एडजस्टमेंट मिलेगा आपको, बेथिंग जोन सेपरेट एंड डेडिकेटेड, स्टेनलेस स्टील के फिटिंग है SS के फिटिंग के साथ। और ये बहुत अच्छी सी एक और चीज है सामान रखने के लिए, कितने अच्छा शेल्फ बना रखा है कांच के अंदर, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हैं 2 शेल्फ्स हैं और बहुत अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है, और एंड में हमारा वेस्टर्न स्टाइल कमोड है और एकदम साफ सुथरा सा कोने में वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडो है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस फ्लैट के रिगार्डिंग अगर कोई भी और क्वेश्चन आपका आंसर रह गया है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके ऊपर लिखा हुआ फ्लैट कोड बता के क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। अभी आपको सरकारी बिजली और सरकारी पानी मिलने वाला है, BSES का सरकारी मीटर, दिल्ली जल बोर्ड का सरकारी पानी। सो इतनी अच्छी अमेनिटीज के साथ इतने कम डिस्टेंस पे, 800 मीटर डिस्टेंस द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, इतना बढ़िया फ्लैट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जो आपको ये मिलने वाला है। अगर आप इस फ्लैट को बुक कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।